सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जब भी आप बिजी के अंदर एक सेल बिल काटते हैं तो उसके अंदर एक मैसेज पॉपअप होता है कि ये जो आप आइटम डाल रहे हैं इस वाउचर के अंदर वो आइटम नेगेटिव हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, आज के इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे। वीडियो को आप पूरा देखना जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं एक वाउचर के अंदर आपको एंट्री करके दिखाऊँगा और रीज़न बताऊँगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, और ये मैसेज पॉपअप ना हो उसके लिए सॉल्यूशन बताऊंगा। एक सेल वाउचर मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। सीरीज डालते हैं, डेट डालते हैं वाउचर की, वाउचर नंबर डालते हैं, जो भी सेल टाइप है वो सिलेक्ट करते हैं। पार्टी नेम डालते हैं। अब यहाँ पर हमको डालनी है आइटम। जो भी आपके पास आइटम है आप वो डालें। जैसे यहाँ पर मेरे पास वुड चेयर एक ही आइटम है तो मैं उसको ही एंटर करता हूँ। आइटम सेलेक्ट करने के बाद हमको उसकी क्वांटिटी बतानी होती है कि हम कितनी क्वांटिटी में उसको बेचना चाहते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं डाल देता हूँ क्वांटिटी के अंदर 100 पीस। तो जैसे ही मैंने क्वांटिटी के अंदर 100 पीस डाला तो यहाँ पर मैसेज पॉपअप हुआ है कि आइटम जो है वो नेगेटिव हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसको ख़त्म करने के लिए क्या करें? तो रीज़न है इसका ये क्यों होता है, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं जो भी आइटम आप सेलेक्ट करेंगे उसकी क्वांटिटी जो आपके पास स्टॉक में होगी वो यहाँ पर दिखाता है। अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सेल करते हैं आगे तो ये मैसेज पॉपअप होता है कि आइटम नेगेटिव हो रही है। तो यहाँ पर आप ही सोचिए कि जब आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, किसी आइटम को बेच रहे हैं, अगर आपके पास उस चीज़ का स्टॉक नहीं होगा तो आप उसको कैसे आगे बेच सकते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अभी हमारे पास करंट स्टॉक है इस आइटम का 50 पीसेस, पर हम सेल कर रहे हैं इसको 100 पीसेस। अगर मैं इसको 50 पीस करता हूँ या 50 से कम करता हूँ तो ये मैसेज पॉपअप नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर 51 पीसेस भी करूँगा तो भी ये मैसेज पॉपअप होगा कि आपका जो स्टॉक है वो नेगेटिव हो रहा है। कई बार होता भी ये है कि आप आइटम को ऐसे ही बेच देते हैं नेगेटिव करके। अब ऐसे ही कितनी आइटम नेगेटिव हुई या हो चुकी हैं वो देखने के लिए आप जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, स्टॉक स्टेटस के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक अल्फ़ाबेटिकली, बैलेंस्ड ओनली के ऊपर एंटर करेंगे। हमको सब आइटम का देखना है कि जितनी भी हमारे पास आइटम है सबकी लिस्ट हमको शो हो जाए। एंटर प्रेस करेंगे, जो भी आज की डेट होगी वो एंटर करेंगे। यहाँ पर उसके बाद ऑप्शन आता है शो जीरो स्टॉक आइटम्स। अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास स्टॉक जीरो है वो वाली आइटम भी हमको देखनी है तो उसके लिए यहाँ पर यस करेंगे, वरना नो ही रहने देंगे। उसके बाद ऑप्शन है शो पेरेंट ग्रुप। अगर आपने आइटम को ग्रुप वाइज बना रखा है और अगर आप उसको ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना नो ही रहने देंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है शो वैल्यू ऑफ आइटम्स। तो अगर आपको आइटम की वैल्यू देखनी है तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना नो रहने देंगे। लास्ट ऑप्शन है MRP का। अगर आपको MRP देखनी है आइटम की तो यहाँ पर यस करेंगे। वैल्यू ऑफ आइटम के अंदर और MRP के अंदर दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वैल्यू ऑफ आइटम ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है परचेज रेट बेसिस के ऊपर, वहीं जो MRP है वो हम अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वुड चेयर है वो नेगेटिव हो चुकी है 50 पीसेस से, क्योंकि जो हमारे पास क्वांटिटी थी वो ओनली 50 पीसेस थी, पर जो हमने आउट करी है वो 100 पीसेस करी है। तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो 50 पीसेस से नेगेटिव हो चुका है। तो अगर आपका स्टॉक ऐसे ही नेगेटिव जा रहा है या पीछे नेगेटिव हो रखा है तो ये चीज़ गलत है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो यहाँ पर आज हमने जाना कि क्यों हमारा स्टॉक जो है नेगेटिव शो होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो
या कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।